आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव कोट के साथ। फ्रेंड्स, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते अगर सूरज आपको जगाने की कोशिश करेगा या सूरज आपको जगाएगा। आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप सूरज को जगाओगे, जब आप जल्दी उठोगे और आप जो है वो टाइम का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करोगे। तो इसी तरह टाइम का यूटिलाइजेशन आपका बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लाया हूँ यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चैप्टर वन जो है वही एक्सटेंड करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, स्टैंडर्ड 10th का, और मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कुछ और कंटेंट आपको बहुत ही इजीली समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आई प्रोफेसर गौरव मेहता वेलकम यू ऑल टू लक्ष्य कोचिंग सेंटर। आई एम फ्रॉम जामनगर, गुजरात। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो विल बी टेकिंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चन टूडे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ओके, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, ओके, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो वॉट इज फैक्टराइजेशन, राइट? बिकॉज इन द स्मॉलर स्टैंडर्ड्स यू हैव लर्न्ड वॉट इज ए फैक्टराइजेशन और वॉट इज ए फैक्टर। तो फैक्टर क्या है ये आपको पता है, प्राइम फैक्टर क्या है वो भी आपको पता है। प्राइम फैक्टर मतलब उतना सारा फैक्टर हमको निकालना है कि जिसका बाद में फर्दर फैक्टराइजेशन ना हो सके। जैसे कि 6 है तो 6 का फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे किया है 2 into 3, तो 2 raised to 1 into 3 raised to 1 हो गया। तो ये दोनों प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, अभी इससे ज़्यादा इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, मतलब कि 2 है या 3 है उसके आप और पार्ट नहीं बना सकते। तो 2 into 3 जो है वो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का। वैसे ही हमको 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। तो ये कैसे करेंगे, सीधा आपको प्राइम फैक्टर कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? पहले आप बोल सकते हो कि 20 मतलब कि 4 into 5, ठीक है, चलिए 4 into 5। अभी 5 का तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, 5 को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 4 को तो डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 into 2 हो जाएगा हमारा 4। तो 2 into 2 into 5 जो है वो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसके नंबर का, 20 का। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया गया है आपको 2 raised to 2 into 5 raised to 1। तो ये आपको दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेज है, जो बेसिक स्टेज है, वो क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पीसीज में एक नंबर को डिवाइड कर दिया। तो उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हो गया है यहाँ पे हमारा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि HCF फाइंड करेंगे और LCM भी फाइंड करेंगे। कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हमने कल जो किया था या इसके प्रीवियस वीडियो में जो भी लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने फाइंड किया था HCF दूसरी मेथड से, डिवीजन मेथड से किया था। तो अगर ये मेथड से करते हैं तो भी आंसर सेम रहेगा? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आंसर सेम ही रहेगा। आप कोई भी मेथड से जाओ, HCF विल रिमेन सेम। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेथड आपको पूछी गई है उसी मेथड से आपको आंसर देना है, यहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं अभी बताता हूँ आपको कि शॉर्टकट में आपको कैसे याद रखना है। जैसे कल बताया था आपको, आज भी बताता हूँ कि ट्रिक से कैसे याद रखना है इसी क्वेश्चन को। तो पहले चीज़ हो गई हमारी HCF की। ओके, तो लेट्स सी कि HCF में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है कॉमन एंड स्मॉल। कॉमन एंड स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि दोनों में हमको पहले तो कॉमन देखना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हो 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर एक जगह पे आप देखो तो वो है 2 का पावर 1, और अगर दूसरी जगह पे आप देखते हो तो वहाँ पे है 2 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर्स हमको दिए, मतलब कि कॉमन जो है, कॉमन किस में, जो फैक्टर हमने बनाए हैं उसमें। तो उसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन है, 2 दोनों में दिया गया है। तो हमको कौन सा नंबर लेना है HCF के लिए, एक तो कॉमन होना चाहिए और दूसरा स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है हमारा कि जो कॉमन है और स्मॉल भी है? तो मतलब यहाँ पे 2 raised to 2 नहीं लेना है क्योंकि वो कॉमन में बड़ा नंबर है। तो 2 raised to 1 है एक नंबर में, एक नंबर में है 2 raised to 2। तो दोनों में कॉमन तो 2 है क्योंकि 3 और 5 जो है वो कॉमन नहीं है दोनों नंबर्स में। तो उसमें से छोटा वाला कौन सा है, तो छोटा वाला है 2 raised to 1। उसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2 raised to 1, मतलब कि 2। तो इतना सिंपल है फ्रेंड्स। तो HCF हमारा आ गया 2। फ्रेंड्स, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा जल्दी जा रहा है, मैं इसी टाइप के सेम टू सेम 3 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जैसे ही 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे उसको। चलिए जाते हैं अभी सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के, जो दिया है LCM। अभी LCM में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक नंबर लिखा है, एक चीज़ लिखी है मैंने शॉर्टकट के लिए, जो है बिगर एंड ऑल।
उसका मतलब क्या है कि LCM जो है उसमें कॉमन में से हमको बिगर नंबर निकालना है। तो हमको पता है कि 2:1 और 2:2, मतलब कि 2 जो है वो कॉमन है दोनों में, 6 में भी कॉमन है, मतलब कि 2:1 और 2:2 जो है वो है 20 के फैक्टर में भी। तो मतलब इन दोनों में से हमको कौन सा वाला लेना है, बिगर वन। तो बिगर कौन सा है फ्रेंड्स, 2:2। तो यहाँ पे हम 2:2 लेंगे, मतलब कि 2×2 यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद क्या दिया है, बिगर एंड ऑल, मतलब कि बाकी जो भी है उसको भी एक एक बार आपको लिख लेना है। तो × 3 लिख लिया, × 5 लिख लिया, और जैसे ही आप सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको आपका आंसर आ गया LCM का। सो LCM इज इक्वल टू 2×2×3×5 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं प्रोसेस आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको बहुत ही स्लो स्पीड में। पहले हमने फैक्टराइजेशन किया है, मतलब कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और उसके छोटे छोटे फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। जैसे ही ये हो जाता है फिर उसके बाद हम पहले HCF फाइंड करेंगे। HCF का मेरा शॉर्टकट क्या है, स्मॉल एंड कॉमन, मतलब कॉमन एंड स्मॉल, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि कॉमन कौन सा नंबर है, यहाँ पे कॉमन नंबर है 2, तो उसमें कौन सा वाला लेना है, स्मॉल। तो स्मॉल कौन सा है, 2:1 जो है वो स्मॉल है, 2:2 जो है वो बिगर है, तो हमको लेना है 2:1। तो हमारा HCF का आंसर आ गया 2:1। अभी टाइम आ गया LCM का कि LCM हम कैसे फाइंड करेंगे। तो LCM का रूल क्या है, बिगर एंड ऑल, पहले में क्या था कॉमन एंड स्मॉल, LCM में है बिगर एंड ऑल। तो ये शॉर्टकट है जो आपको याद रखने हैं, तो आपका मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। लक्ष्य में हम यही कंसेप्ट पे जाते हैं कि आप जितनी हो सके उतनी इजीली और आसानी से, आपको पता भी ना चले सिलेबस कैसे ख़त्म हो गया, इसी मेथड से पढ़ाते हैं हम। तो हमको दो ही चीज़ याद रखनी है, कॉमन एंड ऑल, कॉमन एंड स्मॉल, बिगर एंड ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो LCM में है बिगर एंड ऑल। तो बिगर एंड ऑल का रूल क्या है हमारा, कि पहले तो जो भी कॉमन है उसमें से बिगर वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब 2:2 ले लिया हमने, मतलब कि 2×2। उसके बाद ऑल, मतलब कि जो कॉमन नहीं है उनको भी एक एक बार आपको लिख लेना है। तो मतलब कि × 3×5 भी हो गया, तो हमारा टोटल वैल्यू आ गया LCM का 60। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का सेम टू सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ताकि आपका फंडामेंटल जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए देखते हैं, इसमें पूछा गया है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 8 and 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मेथड सेम ही है लेकिन सिर्फ नंबर बदल गए। तो अभी नंबर कौन से हैं, 8 and 60। तो हमारा पहला स्टेप क्या है फ्रेंड्स, कि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। बहुत ही ईजी हो जाना चाहिए आपके लिए ये। तो 8 को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो पहले आप बोल सकते हो कि 4×2 होगा, चलिए ठीक है 4×2 8 हो गया, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फिर 4 के और फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, मतलब कि 2×2, तो मतलब कि टोटल हमारा हो गया 2×2×2, मतलब कि 2:3। तो 8 का फैक्टराइजेशन हो गया हमारा 2:3। इसी तरह 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो पहले आप ले सकते हो 15×4, 15×4 इज 60, या फिर आप ले सकते हो 10×6। तो अगर आपने 10×6 ले लिया या 15×4 ले लिया, तो फिर आपको जो भी नंबर्स लिए हैं उनको भी फिर से डिवाइड करना है। जैसे आप दोबारा उनको डिवाइड करोगे छोटे छोटे नंबर्स में, कैसे नंबर्स में फ्रेंड्स, छोटे छोटे नंबर्स में, तो छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड करना है। तो जितने छोटे नंबर्स आ जाएँ उतना अच्छा, उससे ज़्यादा वो नंबर्स डिवाइड नहीं होने चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी दूंगा यहाँ पे, लेकिन बोर्ड में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, पैनिक नहीं होना है हमको बिल्कुल ही। तो यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करेंगे तो हमको मिलेगा 2:2×5×3। क्या किया है हमने फ्रेंड्स, छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर दिया है। ओके चलिए देखते हैं अभी HCF। तो HCF का फ्रेंड्स हमारा रूल क्या है, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर से एक बार, कॉमन एंड स्मॉल, कॉमन एंड स्मॉल। चलिए देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 2:3 है 8 में, और यहाँ पे है 2:2, मतलब कि 2 जो है वो कॉमन है दोनों में, चलिए ठीक है। हमारा रूल क्या है HCF के लिए, कॉमन एंड स्मॉल, ठीक है। तो कॉमन में स्मॉल क्या है, 2:2, मतलब कि 2:2 जो है वही हमारा आंसर आ गया, वही हमारा HCF आ गया फ्रेंड्स। तो वही HCF यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि है 2:2। उसके बाद देखते हैं LCM, हमारा LCM का रूल क्या है फ्रेंड्स, बिगर एंड ऑल, बिगर एंड ऑल, चलिए ठीक है। तो HCF था कॉमन एंड स्मॉल, LCM है बिगर एंड ऑल।
ओके, तो बिगर दोनों में क्या है? तो 2:3 जो है वो बिगर है दोनों में, 2:3 और 2:2 दोनों में दिए गए हैं, मतलब कि 2 जो है वो कॉमन वाली वैल्यू है प्राइम फैक्टर्स में, तो उसमें से बड़ा वाला कौन सा है? 2:3 है। चलिए ठीक है, तो बाकी के जो भी नंबर्स है उसको भी हमको ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा रूल, ऑल, मतलब कि हमको सारे नंबर्स लेने हैं। तो 2:3 इंटू 3 इंटू 5 भी हमने यहाँ पे कर लिया, तो जैसे ही आप सबका मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 120। तो 120 आपका आंसर आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, ताकि आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो बेस बन रहा है, आप अभी 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो बेस बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, फाउंडेशन जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सो फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 96 एंड 404। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट ऐसे है कि आपको फैक्टर्स करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी हैव इनफ टाइम। तो जैसे ही आप फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है नंबर को। कितने पार्ट्स में? छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, उससे ज़्यादा डिवीजन नहीं होना चाहिए, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। अभी आपको लगेगा कि हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, सर हमको पता ही नहीं है कि डिवाइड होगा या नहीं। तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, आपको ट्रायल एंड एरर करना है। जैसे आप पहले 2 से डिवाइड करते जाओ, तो 2 से कितनी बार डिवाइड होता है आप देखते जाओ, फिर आप ट्राई कर सकते हो कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं नंबर, फिर 3 से डिवाइड करो। तो जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, आपको पता चलेगा कि ये फाइंड करना बहुत ही इजी है। जैसे कि 96 से आप डिवाइड कर दो, पहले उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा 32। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, फिर 32 को आपको पता है कि वो 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, फिर 32 को आप फर्दर डिवाइड करते 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 आपको पता चलेगा कि वो क्या है, 2:5। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं और एक नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी हमारा एच सी एफ का रूल, फिर से मैं आपको बता दूं, फिर से रिवाइज करवा दूं, हमारा रूल है कॉमन एंड स्मॉल, कॉमन एंड स्मॉल। तो कॉमन कौन सी चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो फिर से तीसरी बार ऐसा ही हुआ कि 2 था उसी का पार्ट यहाँ पे कॉमन है, तो एक में है 2:5, दूसरे में दिया है 2:2, तो दोनों में से छोटा वाला कौन सा है? 2:2, मतलब कि हमारा आंसर जो है यहाँ पे हो गया 2:2, यानी कि 4। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं एल सी एम में, एल सी एम का हमारा रूल क्या है? बिगर एन ऑल, बिगर एन ऑल। तो जैसे ही बिगर एन ऑल करेंगे, तो पहली तो चीज़ हमारी आ गई कि यहाँ पे आ गया आएगा 2:5, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आएगा 2:5। तो 2:5 क्यों आया? क्योंकि दोनों में वो बड़ा है, जो कॉमन वाली चीज़ है उसमें बड़ा नंबर है। उसके बाद हमने दोनों लिख लिए, मतलब 3 भी ले लिया और 101 भी ले लिया। 3 कहाँ था फ्रेंड्स? यहाँ था, और 101 कहाँ है फ्रेंड्स? यहाँ है। तो वो दोनों नंबर जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है हमको, तो हमको एल सी एम जो है वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको रूल पक्का याद रह गए होंगे, एंड आई होप कि ये जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप इसका आसानी से बहुत ही जल्दी एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। आफ्टर ऑल गौरव सर हिमसेल्फ इज़ टीचिंग यू, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ही ईजी बनाएंगे मैथ्स को और पूरा फाइट करेंगे मैथ्स के साथ। अभी जो 21 डेज़ है आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लॉकआउट है, पूरा लॉकडाउन है, आपको बाहर नहीं निकलना है, लेकिन वीडियो ज़रूर देखने हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ कि वीडियो देखिए, क्योंकि जब भी आपका जो है 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा तो सिलेबस बहुत ही जल्दी जाएगा और आप उसको कैचअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियोस आप देखते रहें। मैं 4 चैप्टर्स जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, उसमें से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियोज़ जो है वो आपको यूट्यूब में फ्री मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो लक्ष्य में, और अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो वो हम कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपका थोड़ा सिलेबस जो है वो 20-21 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, ताकि जब भी सब रीस्टार्ट हो तो आप 2 स्टेप आगे रहेंगे दूसरों के, ना कि पीछे। सो दैट इज़ द मैजिक दैट वी हैव। चलिए फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई हैड गिवन यू सम क्वेश्चंस, हियर ऑल्सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करना है। कौन सी मेथड से फाइंड करना है? जो अभी डिस्कस की है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वाइज आपको सारे आंसर मुझे बताने हैं, और मैं सारी की सारी चीज़ें चेक भी करूंगा। जैसे ही रीओपन होगा तो मैं आपकी सारी बुक्स भी चेक करूंगा कि आपने कितना किया हुआ है,
और लास्ट में आप पूरा का पूरा एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो आपको वीडियोस देखते रहना है फ्रेंड्स, दैट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स एज आई वॉज टेलिंग यू दैट वी हैव सम स्पेशलिटीज़ इन टीचिंग अवर स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th। तो एक और स्पेशलिटी जो है हमारी, वो है हमारी खुद की कंप्यूटर लैब। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टीचिंग में बहुत ही विश्वास रखते हैं, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा फेथ है टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हो, तो दैट इज़ थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव डेवलप्ड। तो उसी के हिसाब से हमने कंप्यूटर लैब भी बनाई है कि जहाँ पे हम वन मार्क वाले क्वेश्चंस की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लेते हैं आपके लिए। और जैसे ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स रिपीटेडली दोगे, तो आपको कुछ चेंज भी मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो और आप बोर हो रहे हो। लक्ष्य में आप बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे, दैट इज़ अ प्रॉमिस। और दूसरी एक चीज़ है कि टीचिंग विद फन। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मेरी जो बोलने की मेथड है या मेरी आपको एक्सप्लेन करने की मेथड है, दैट इज़ वेरी फनी। तो आपको बहुत ही इजी एनवायरनमेंट में और बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट में हम मैथ्स का सब्जेक्ट जो है वो कवर करेंगे, साइंस का सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। हमारे खुद के बनाए हुए 200 से ज़्यादा वीडियोस भी अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे भी डाले हैं, बाकी वीडियोस एक्सक्लूसिवली हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। तो ये चीज़ सारी चलती रहेगी फ्रेंड्स। और एक बैच में हम 15 स्टूडेंट्स को लेते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कॉल करके रजिस्टर करवाएं और उसमें बिल्कुल देरी ना करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक और मेथड आज की। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं उसमें कुछ छोटे छोटे कंटेंट ही रखता हूँ, बट वो ऐसे कंटेंट है कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आने भी चाहिए। ऐसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूँगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। चलिए ठीक है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट। फ्रेंड्स आपको ये वर्ड बहुत ही अच्छी तरह से माइंड में नोट करना है। यहाँ पे आपको बोला है स्टेट, मतलब कि सिर्फ आपको बताना ही है क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ बताना है, मतलब कि आपको स्टेट करना है, ठीक है। स्टेट इफ़ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि नीचे जो भी डेसिमल्स हमको दिए गए हैं, जो भी रैशनल नंबर्स हमको दे दिए गए हैं, हमको बताना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग नंबर्स है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आपने एक मूवी देखा होगा जिसका नाम था टर्मिनेटर। तो ये जो हॉलीवुड मूवी था टर्मिनेटर, उसमें टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? द एंड, मतलब कि उसके आगे कोई चीज़ नहीं जाएगी। टर्मिनेटर मतलब कि फाइनल, है ना। टर्मिनेट हो जाना मतलब कि ख़त्म हो जाना। जैसे कि आपको पता होगा कि बॉम्बे में आप अगर जाओ तो एक स्टेशन है जिसको बोलते हैं बांद्रा टर्मिनस। तो टर्मिनस का मतलब क्या है कि वहाँ पे उस पॉइंट पे वो ट्रेन रुक जाती है, वहाँ से आगे नहीं जाती, दैट इज़ द लास्ट स्टेशन। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है वो रुक जाएगा और वो आगे जाएगा नहीं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो नंबर कंटिन्यूस आगे बढ़ता जाता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। क्योंकि वहाँ से ट्रेन आगे भी जा सकती है, नंबर्स आगे भी बढ़ सकते हैं, उसका मतलब कि उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। एक एग्जांपल है 0.52, तो 0.52 जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब कि नंबर 52 तक ही है, उसके आगे नंबर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसे दूसरा एक नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको, जो नंबर है 0.123123 अप टू इन्फिनेटिव, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि ये नंबर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि पाई मैं आपको बताऊँ, तो पाई एक ऐसा नंबर है कि 3.14 जो वैल्यू है या 22/7 जो वैल्यू है वो हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, तो पाई की रियल जो वैल्यू है वो 3.1456, वो बहुत ही लंबा नंबर है, हमको तो याद भी नहीं रहेगा वो, और याद रखना प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो उसको भी बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको और आपको बताता हूँ कि आपको डिसाइड कैसे करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग का मतलब है एंड हो जाना और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है एंड नहीं होना। चलिए देखते हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस है, वैसे कुछ टेक्स्ट बुक वाले ही क्वेश्चंस है, तो आपको इजी रहेगा, आसानी रहेगी, क्योंकि कई क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं टेक्स्ट बुक में से कई बार, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं यहाँ पे आपके लिए। तो फ्रेंड्स हमको डिवाइड नहीं करना है, पहला तो हमारा रूल ये है। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5ों क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपका समझ में आ जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड पहला क्वेश्चन देखते हैं, 13 डिवाइड बाई 3125।
तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया ये, तो डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते कि डिवाइड कर पाएंगे इस नंबर को। तो फ्रेंड्स शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, हमको सिर्फ सेकंड वाला नंबर ही देखना है, मतलब कि हमको देखना है यहाँ पे 3125, ऊपर क्या नंबर है वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गेम, वो गेम का पार्ट है ही नहीं फ्रेंड्स। तो हमको देखना है 1325। अभी रूल ऐसा है फ्रेंड्स कि जो नीचे नंबर दिया गया है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया है, वो या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या तो फिर 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इन दोनों से डिवाइड नहीं होता है नंबर, तो फिर जो है वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होने का रूल क्या है, मतलब कि एंड होने का रूल क्या है, या तो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए या तो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए या तो फिर दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए तो भी चलेगा। तो ये हमारा रूल है, तो मैं रूल आपको लिख के देता हूँ एक बार, या तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 2, आइदर इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 और इट शुड बी डिविजिबल बाई 5 और इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ। तो दोनों से डिवाइड होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 2 से डिवाइड होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 से डिवाइड होगा तो भी चलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, तो नंबर हमारा है 3125। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हमको सिर्फ डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला नंबर ही देखना है। तो 3125 है, लास्ट में 5 है, तो फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है 5 की डिविजिबिलिटी का रूल कि जहाँ पे भी लास्ट में 5 है वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो मतलब कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि 5 से डिवाइड ये हो सकता है। डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चला कि ये 5 से डिविजिबल होता है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे कि ये नंबर कौन सा है, टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको कौन सा नंबर फोकस में रखना है फ्रेंड्स, नंबर 8। बाकी जो ऊपर दिया है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे बहुत ही डिटेल मेथड में भी आप जा सकते हैं अगर जाना चाहो तो वो भी अवेलेबल रहती है। चलिए वैसे हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन एक ही मार्क में पूछा जाता है जनरली, जब भी पूछा जाता है तो उसी के लिए मैं आपको ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू 1 मार्क ओनली। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो 8 जो है वो किससे डिवाइड होगा फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आपको पता है कि 8 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो हमको ऑलरेडी पता है कि नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा, उसका मतलब कि अगर 2 से या 5 से डिवाइड होता है तो नंबर कौन सा है, टर्मिनल। तो मतलब कि ये भी टर्मिनेटिंग नंबर हो गया हमारा, मतलब पहले दो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा सेम, दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए आगे जाते हैं, 64 डिवाइड बाई 455। फ्रेंड्स आपको 10 डिजिट का नंबर भी दे दे, कोई भी नंबर दे दे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या देखना है कि जो नीचे वाला नंबर है, मतलब कि यहाँ पे हमारा 455, क्या वो 2 से या 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 455 नंबर से ही आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब कि दैट इज़ डिविजिबल बाई 5। तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी वही है, सेम आंसर आ गया हमारा कि दिस इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है नंबर हमारा 1600। तो अगर आप 1600 देखो तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब कि ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों नंबर से डिवाइड भी होता है तो भी वो कौन सा नंबर होगा हमारा फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, दिस नंबर इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप याद रखिए, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, डिवीजन नहीं कर रहे हैं, विदाउट डिवीजन ओनली वी आर सपोज टू से वेदर दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए फ्रेंड्स फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको दिया गया है 343। तो 343 ऐसा नंबर है कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमको पता है कि ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में हमको 5 चाहिए या तो फिर 0 चाहिए, तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। उसका मतलब कि वो 2 से या 5 से दोनों से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये जो नंबर है वो हमारा कौन सा नंबर है फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। करेक्ट, सही समझे हो आप, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसका मतलब कि आप ये देख के ही डिसाइड कर सकते हो कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी चीज़,
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वन का। और जैसे मैंने ये दो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं तो चैप्टर वन के करीब करीब मैंने 70% कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर करवा लिए हैं। तो कुछ एक दो कॉन्सेप्ट ही बाकी है चैप्टर नंबर वन के, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर वन जो है वो फिनिश हो जाएगा। इट्स रियली गुड यू नो दैट ऑल ऑफ़ यू आर सीइंग द वीडियो, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियोस फॉरवर्ड करना भी मत भूलिएगा। ये कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और होमवर्क के क्वेश्चन भी ज़रूर करें। आपको कोई भी डाउट उसमें से निकल रहा है तो भी मुझे आप ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। हमारे नेक्स्ट दो वीडियोस आने वाले हैं वो फ्री वाले होंगे, उसके बाद वीडियोस भी चार्जेबल होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो 21 डेज़ में, मतलब कि 21 दिन में हम मैथ्स के 4 या 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको, साइंस के भी शायद 1-2 चैप्टर्स हो जाएँ। तो आपको दूसरों से आगे रहना है और अपना 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देना है विदाउट मिस्टेक। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता टुडे, गुड बाय।